देववाणी संस्कृत के श्लोकों की कड़ी में आज का श्लोक है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति संपन्न करने से श्रेयस्कर है, बेहतर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराये के कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेयस्कर है। देखिए, हम अपना काम छोड़कर दूसरे के काम को करने जाते हैं और माना कि भले ही अच्छे ढंग से उसका काम हमने निपटा दिया, लेकिन अपना काम हमने छोड़ दिया तो सबसे पहले तो हमें अपना कर्म करना चाहिए, चाहे वो गलत ढंग से ही क्यों ना हम कर रहे हों। बार बार गलत ढंग से करने से अच्छे ढंग से करने की हमारी शैली विकसित होती है। और देखिए, हमारा मन, हमारा शरीर, इसको हम अच्छे से जानते हैं। हमें क्या करना है ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, स्वयं से यदि हम कभी बैठकर पूछें तो हमें पता चलेगा कि हम किस कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कई बार लोग सलाह देते हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए, लेकिन अपने स्वयं को जितना अच्छा हम जानते हैं उतना शायद ही संसार में कोई जानता होगा। कई बार हम दूसरों के कहने पर, जैसे विद्यार्थी होते हैं, अपना किसी विषय का चुनाव करना होता है तो वो दूसरे से या कई लोगों से पूछते हैं, उसके बाद अपना चयन करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार वो चयन करें। स्वयं को परखें, देखें कि उनमें किस तरह की काबिलियत है, उसके अनुसार ही निर्णय लें, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। यानी देख के कि भाई उसने ये काम कर दिया या वो ये काम कर रहा है, उसके पीछे चलने की अपेक्षा हम अपने आप को जाने, पहचाने, उसके बाद कोई डिसीजन लें और फिर उसमें अच्छे से लग जाएं, निश्चित ही सफलता मिलेगी। अनुसरण करना अच्छी बात है, पर डिक्टो यानी बिल्कुल किसी के पीछे पीछे हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि संसार में सभी अपनी एक अनुपम छटा लिए हुए हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ गुण है, बस ज़रूरत इस बात की है कि वो अपने गुणों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आप में एक अदम्य आत्मविश्वास आता है। तो संस्कृत का आज का श्लोक यही था कि हम अपने आप को पहचाने, अपने कर्मों पर ध्यान दें, बनिस्पत इसके कि हम दूसरों के पीछे पीछे भागे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।